टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रॉम कोर्स बुक चैप्टर 7 राउल द आउल. लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट एन आउल दैट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स आउल इन दिस फैमिली. आज हम लोग एक ऐसे स्टोरी पढ़ेंगे जहाँ एक ऐसा आउल है जो अपने वो आउल अपने जो फैमिली से डिफरेंट है. ऑन एन ओल्ड होलो ट्री नियर द एज ऑफ द थिक वुड्स लिव्ड इन अ फैमिली ऑफ आउल्स. ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच लिव्ड द यंगेस्ट आउल राउल. एक पुराने होलो ट्री मतलब ओल्ड होलो ट्री मतलब ऐसे पेड़ में पिक्चर है ना, ऐसे जो गड्ढे गड्ढे होते हैं पेड़ पे उसे कहते हैं. एज ऑफ द थिक वुड्स, थिक वुड्स मतलब जंगल में, जंगल में एक आउल के फैमिली रहते थे. ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ ब्रांच पेड़ के ऊपर में, एकदम पेड़ के ऊपर में जो यंगेस्ट आउल है राउल वो रहता था. ही वॉज पोलाइट एंड चेयरफुल, वो बहुत शांत और अच्छा था. बट ही हैड ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर एन आउल ही कुड नॉट सी इन द डार्क. बट उसका एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम था, वो क्या था, वो अंधेरे में देख नहीं पाता था. एवरी इवनिंग हिज फैमिली वुड वेक अप, यॉन, स्ट्रेच एंड स्टार्ट आउट. उसके फैमिली उठ जाते थे, वेक अप मतलब एवरी इवनिंग टाइम पे वो लोग, आउल तो इवनिंग टाइम पे उठते हैं वो लोग, और यॉन, यॉन्स मीन जमाई लेना, स्ट्रेच एंड स्टार्ट आउट, वो लोग अपना पंख फैला के निकल जाते थे अपने शिकार में. राउल वुड ब्लिंक एंड पियर एंड स्ट्रेन हिज आईज. राउल को क्या होता था इवनिंग टाइम में, उसको देखने में बहुत प्रॉब्लम होता था उसको. बट ऑल रिमेन डार्क, उसको सब अंधेरा दिखता था. When the moon was up, he could dimly see the shapes of trees, but he had to fly very slowly and close to the ground. But क्या होता था, जब आसमान में मून होता था तब क्या होता था, उसको थोड़ा थोड़ा एकदम हल्का सा उसको ट्री के शेप नज़र आता था या फिर वो फील करता था थोड़ा. ही हैड टू फ्लाई वेरी स्लोली, वो बहुत स्लोली स्लोली उड़ता था एंड वो ज़मीन के आसपास उड़ता था. Since it was impossible for him to hunt. क्या हुआ, ऐसे करके उसके लिए हंट करना मतलब शिकार करना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता था. ही हैड टू गो होम अर्ली एंड वेट टू द फेड. अब क्या करता था, वो जल्दी अपने घर चला जाता था एंड वो अपने खाने के वेट करता था. हिज ब्रदर्स ब्रॉट हिम सम डिनर इन टर्न्स. उसके जो भाई है वो सब, उसके जो भाई सब है वो सब उसको खाना ला कर देते थे. टर्न्स मतलब अपना अपना एक बारी होता था तो अपने अपने भाई सब लाते थे. हाउ एवर दे कंस्टेंटली लव्ड एंड हूटेड एट राउल्स इनएबिलिटी टू हंट. वो लोग खाना लाकर देते थे लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते थे, हंसते थे, मीन्स उसका मजाक उड़ाते थे, उसका भाई का मजाक उड़ाते थे वो, क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाता था इसलिए. राउल हेटेड दिस, राउल को ये चीज़ पसंद नहीं होता था. At last, Raul could not stand if any longer. अब वो खुद को रोक नहीं पाया. This won't do. अब क्या क्या, he said firmly to himself. वो अपने आप को खुद को बोला कि अब ऐसे नहीं हो सकता है. I will have to change my habits. अब वो सोचा कि मैं अपना जो मेरा जो habit है इसको मुझे change करना है, जो आदत है. And then and there he made up his mind. अब अपने mind को वो ठीक किया to do something daring. कुछ उसे करना पड़ेगा. डियरिंग मतलब कुछ मतलब अलग सा करना, मतलब उसको कुछ रिक्स लेना, वो करेगा खुद से कुछ. ही डिसाइडेड टू स्लीप ऑल नाइट एंड वेक अप इन द मॉर्निंग. वो ठीक किया कि वो पूरा रात सोएगा और क्या करेगा, सुबह में वो उठ जाएगा. व्हेन द फैमिली हर्ड टू द डिसीजन, जब फैमिली उसका ये डिसीजन सुना, मदर एंड फादर वर वेरी अपसेट. वो लोग क्या हुआ, बहुत नाराज हो गए. Whoever has heard such a thing? कौन ऐसे ये चीज़ किसने सुना है कि mother cried and almost fainted. अब उसके माँ ये सुन के बेहोश होने लगा, वो चिल्लाने लगी कि ऐसे कभी किसी ने सुना है. Disgraceful, said father. None of our family have done such a thing. क्या बोला, shameful, ये बहुत शर्म की बात है, हम लोग के फैमिली में से किसी ने ऐसे चीज़ कभी नहीं हुआ हम लोग के फैमिली में. रफल्स, वन ऑफ द मिडिल ब्रदर हु रीड अ लॉट सेड. रफल जो उसके और एक जो मिडिल भाई है मतलब उसका एक भाई है, वो बोला नो आर्कटिक आउल्स हंट ड्यूरली. वो क्या बोला कि आर्कटिक जो आउल्स होते हैं वो दिन में शिकार करते हैं. दैट इज़ ड्यूरिंग द लॉन्ग डे लाइट आवर, क्योंकि वहाँ पे दिन
दिन बड़ा होता है रात से ज़्यादा बड़ा होता है। वी आर नॉट आर्कटिक आउल, क्राइड फादर कोल्डली। उसके पापा चिल्ला के बोले कि हम लोग आर्कटिक आउल्स नहीं हैं। द ओल्डेस्ट ब्रदर लाफ्ड रिकॉसली, हु मे बी ही इज़ नॉट इवन एन आउल। फिर उसका जो ओल्डर ब्रदर है वो क्या हुआ, हंसने लगा। हंस के क्या बोलने, अब जोर जोर से हंसने लगा। रिकॉसली मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, लाउडली एंड र्यूडली, वो लाउडली जोर जोर से हंसने लगा और क्या बोला कि मे बी हो सकता है वो आउल ही नहीं है, ही इज़ योर ब्रदर, फादर सेड। उसके पापा बोले कि वो क्या है, वो तुम्हारा ब्रदर है, भाई है, प्लीज़ लीव हिम अलोन, उसे अकेला छोड़ दो। देन ही टर्न टू राउल एंड सेड जेंटली, इफ़ यू इंसिस्ट यू कैन ट्राई बट रिमेंबर डू बी द गुड आउल। फिर उसके पापा ने उसको बोला कि अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम ऐसे करना चाहते हो तो ठीक है, तुम करो, यू कैन ट्राई कर सकते हो, पर तुम्हें एक गुड आउल बन के रहना पड़ेगा हमेशा। फादर पैटेड मदर्स विंग एंड विस्पर, डोंट वरी माई डियर, ही विल सून चेंज हिज माइंड। उसके जो फादर है, राहुल के फादर, राहुल के माँ को वो बोल रहे थे कि थपथपाते हुए बोल रहे थे, विस्पर्स में फिसफिसा के बोलना, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी अपना माइंड को चेंज कर लेगा। द फॉलोइंग मॉर्निंग, अब नेक्स्ट सुबह जो आया, व्हेन हिज फैमिली वॉज गोइंग टू बेड, जब उसके फैमिली सो गए, राहुल गॉट अप, राहुल उठ गया एंड स्ट्रेच एंड स्टेप्ड आउटसाइड। वो क्या किया, स्ट्रेच, अपना टंग फैलाया एंड स्टेप बाहर निकल गया। ही सिल्डर्ड आउट एंड ब्रांच लुक्ड अबाउट। वो क्या किया, शर्माते हुए, सिडल मतलब शर्माते हुए वो चलना, वो ब्रांच के तरफ वो चारों तरफ देख रहा था। वाओ, ही साउटेड, वो उसको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो साउटिंग करके बोला वाओ। ही कुड सी एवरीथिंग, वो हर कुछ देख सकता था। एंड देयर वाज सो मच टू सी, वहाँ पे बहुत कुछ देखने के लिए था। अ ब्राइट हॉट येलो थिंग इन द स्काई, उसको ब्राइट दिखा, हॉट दिखा, येलो दिखा, द फॉरेस्ट में सब कुछ ब्राउन एंड ग्रीन, फॉरेस्ट में ब्राउन देखा, उसको ग्रीन देखा, फार अवे मीडोज ग्रीन फुल ऑफ फ्लावर्स, उसको बहुत कुछ दिखने लगा। राहुल स्प्रेड हिज विंग्स एंड फ्लू इट, अपने विंग्स को फैलाया और वो उड़ गया। ही हैड नेवर सीन सो मैनी कलर्स इन हिज होल लाइफ, वो अपने जीवन में कभी इतना कलर्स व रंग नहीं देखा था। ही फील सो गुड एट दैट ही फ्लू अपसाइड डाउन एंड डीड वैरल रोल्स लूप ऑफ द लूप्स। वो क्या किया, उसको बहुत अच्छा फील होने लगा एंड वो उड़ने लगा अपसाइड डाउन नीचे तरफ एंड डीड बैरल रोल। डीड बैरल रोल्स मतलब क्या होता है, हवाई जहाज जैसे नीचे जैसे आते हैं, हवाई जहाज जैसे नीचे उतर के आते हैं, लूप एंड लूप राउंड करके, लूप एंड लूप मीन्स सर्कुलर मूवमेंट में। एंड बाय नून ही वॉज हंगरी, अब दोपहर में क्या हुआ, उसे भूख लग गया। ही स्पाइड अ स्मॉल माउस, स्पाइड मीन्स क्या, एटक सडनली उसको दिख गया एक स्मॉल माउस बिहाइंड एन ओल्ड बर्न, खेती में, एक पुराने खेती में उसको दिखा। ही सुप्ड डाउन ऑन इट, क्या किया वो, अब उसे क्या किया, उसको पकड़ लिया। अब क्या हुआ, ओ प्लीज़ मिस्टर हॉक लेट मी गो, अब क्या हुआ, माउस ने बोला कि ओ प्लीज़ मिस्टर हॉक मुझे छोड़ दो। स्क्वीक द सैड लिटिल माउस, वो सैड था, सैड होकर बोला, होल्डिंग दिस लिटिल हैंड टुगेदर, उसका हैंड पकड़ा हुआ था। राहुल हर्ट वॉज टस्ट, ही लेट द माउस गो फ्री, उसको क्या हुआ, उसको बुरा लग गया, इसीलिए वो क्या किया, उसको छोड़ दिया उसने माउस को। बट वाई डू यू कॉल मी अ हॉक, ही आस्क्ड, राहुल ने उसको पूछा कि अब तुमने मुझे हॉक क्यों बोला। द सिवरिंग माउस स्लोली लुकड अप, सिवरिंग मतलब कांपते हुए, वो कांप रहा था क्योंकि उसको पकड़ लिया था इसलिए वो डरा हुआ था। अब फिर उसको क्या किया, उसे अच्छे से देखा, लुकड अप एंड सेड, बोला गुड हेवन यू आर नॉट ए हॉक यू आर एन आउल। फिर बोला ओ अच्छा, तुम हॉक नहीं हो, तुम आउल हो। व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग आउट इन डे टाइम, तुम क्या कर रहे हो इस धरती में डे में, आर यू क्रेजी, तुम क्या पागल हो। आई डोंट थिंक यू ऑट टू बी सो र्यूड, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आफ्टर ऑल आई कुड हैव ईटन यू, अब मैं तुमको खा जाऊँगा मैं। आई एम सॉरी सेड द माउस, माउस ने सॉरी बोला, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, बट आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ एन आउल फ्लाइंग ड्यूरिंग डे, मैंने कभी नहीं सुना कि वो कभी कोई आउल दिन में उड़ता है, फिर दिन में उड़ता है, फिर शिकार करता है दिन में।
राहुल एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। अब क्या क्या राहुल सारा कुछ बताया अपना। दैट इज़ द ब्रेवेस्ट थिंग आई एवर हेयर्ड ऑफ, सेड द माउस। बोला कि ये सबसे हिम्मत का काम है जो मैंने कभी ऐसे नहीं सुना था ऐसे। थैंक बट आई एम वेरी हंग्री। थैंक बट मैं अभी बहुत भूखा हूँ, क्राइड राहुल। राहुल चिल्ला के बोला, माई नेम इज़ बर्ट्राम। बर्ट्राम वट इज़ योर्स? उसने माउस ने बोला कि मेरा नाम बर्ट्राम है, तुम्हारा नाम क्या है, उसने पूछा। Now I am stopping here. Next time I will come part 2. Please like and subscribe my channel.